नमस्ते। तो एक बार मैं बात रख देता हूँ अपनी कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग आपके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग इस बात को तो समझ ही रहे हैं, हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेस भी किए होंगे, लेवल 1 भी किया होगा, तो इस बात को तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि हम सबका अगर लक्ष्य देखेंगे तो लक्ष्य तो निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना है। इस बात को भी हम लोग अपने में ठीक से वेरीफाई कर ले, ठीक से तय कर ले कि यही लक्ष्य हमारा है कि नहीं है। तो लक्ष्य अगर निरंतर तृप्ति पूर्वक जीना है, तो तृप्ति पूर्वक जीने की जो निरंतरता है उसके लिए हम लोग ये अभ्यास सत्र चला रहे हैं। और अगर हमको अपनी तृप्ति में निरंतरता चाहिए तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने में सअस्तित्व पूर्वक भाव विचार को रखने की कोशिश कर रहे हैं, और परस्परता में सअस्तित्व के अर्थ में हम व्यक्त हों इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो बेसिकली देखेंगे तो इन 3 अर्थ में हम अभ्यास कर रहे हैं, तो स्वयं को समझने का अभ्यास कर रहे हैं, जब स्वयं को समझने की बात हो रही है तो स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक जाने की बात हो रही है, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। फिर उसके अर्थ में हमारे भाव विचार हो जाए उस पर हम लोग अभ्यास करेंगे, फिर इसके साथ हमारा जीना सअस्तित्व पूर्वक हो जाए, सअस्तित्व पूर्वक हमारा व्यवहार कार्य व्यवस्था में भागीदारी होने लगे, इस अर्थ में हम लोग इस अभ्यास सत्र को चला रहे हैं। तो अभ्यास 1 और अभ्यास 2, इन दोनों अभ्यास से हम लोग ये 3 बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पहले तो हमको ये क्लैरिटी हो जाए कि अगर हमको निरंतर पूर्वक तृप्ति पूर्वक जीना है तो हमको समझना आवश्यक है, समझ के ही हमारे में एक तृप्ति आ सकती है। और समझना है तो समझने के अर्थ में हमको देखना भी जरूरी है, और देखने के अर्थ में ध्यान देना इम्पोर्टेंट है, और ध्यान हम उसी चीज पर देते हैं जिस चीज को हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं अपने जीवन में। तो हमको ये तय करना है कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, उस अर्थ में हमको ध्यान देना है। जब हम ध्यान देंगे तो हम उस चीजों को अनफोल्ड करेंगे, हम उसको देखना भी स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे उसको समझना भी स्टार्ट करेंगे। तो समझने को अगर देखेंगे तो समझने का जो स्कोप है, जो कुल वस्तु है, जो चीज हमको समझनी है उसको अगर देखेंगे तो एक तो मुझे चैतन्य इकाई, एज ए चैतन्य इकाई मैं क्या हूँ उसको मुझे समझना है, मेरे में क्या चल रहा है उसको मुझे देखना है। फिर जड़ को हमको समझना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए शरीर को हमको समझना है, फिर स अस्तित्व को हमको समझना है, शून्य को हमको समझना है। तो समझने की जो मूल वस्तु है, तो मूल वस्तु में इतनी ही बात हमको समझनी है। तो एज ए चैतन्य इकाई कॉन्शियस यूनिट मैं अपने को समझने का प्रयास करूंगा, फिर मेरा जो इंट्रेक्शन जड़ के साथ हो रहा है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और फिर पूरे सअस्तित्व और शून्य को समझने का प्रयास करेंगे। तो इन 3 वास्तविकताओं को समझने के अर्थ में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें से अभ्यास 1 में देखेंगे तो हम लोग चैतन्य को समझने का काम विस्तार से करेंगे, और अभ्यास 2 में देखेंगे तो हम लोग जड़, है ना, फॉर एग्जाम्पल शरीर को समझने का काम विस्तार से करेंगे। तो अभ्यास 1 और 2 में हम लोग ये काम करने वाले हैं प्राइमरी। तो आज तो हम लोग अभ्यास 1 स्टार्ट करेंगे, तो चैतन्य इकाई पर हम लोग बात करेंगे, कॉन्शियसनेस पर हम लोग बात करेंगे। तो अगर ध्यान से देखेंगे अस्तित्व में तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं इस बात को, इकाइयां हैं, शून्य है, इकाइयों को देखेंगे तो जड़ इकाई है, चैतन्य इकाई है। तो जड़ इकाई का एग्जाम्पल जैसे शरीर हो गया, चैतन्य तो मैं हूँ ही कॉन्शियसनेस, और इन दोनों के बीच में जो दूरी है, जो संबंध है, जो सअस्तित्व है उसको देखने का काम हमको करना है। तो हमको जड़ को भी देखना है, चैतन्य को भी देखना है, शून्य के साथ सअस्तित्व को भी देखना है। लेकिन अगर देखना स्टार्ट करेंगे तो क्या लगता है, हम लोग शरीर को पहले से स्टार्ट करें, चैतन्य से स्टार्ट करें, या सअस्तित्व से स्टार्ट करेंगे, 2 इकाइयों से स्टार्ट करेंगे? हम लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कहाँ से स्टार्ट करना ठीक है। 1, 2, 3। 1 चैतन्य को के लिए इंडिकेट किया है, 2 देखेंगे तो शरीर के लिए, 3 देखेंगे तो 2 इकाइयों के बीच की दूरी के लिए। तो
ऑलमोस्ट सभी का कहना यह है कि हम लोग चैतन्य इकाई से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो इस देखने वाला मैं ही हूँ, और अगर देखने वाला मैं ही हूँ तो पहले मुझे ही अपने को समझना पड़ेगा। तो एक बार मैं अपने को ठीक से समझ लूंगा, फिर हम जड़ को भी ठीक से देख पाएंगे, और जो शून्य के साथ सहअस्तित्व है उसको भी हम ठीक से समझ पाएंगे। तो इसलिए देखने की प्रक्रिया जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे फंडामेंटल तो बात यही है कि मैं अपने को देख पा रहा हूँ कि नहीं, अपने को ठीक से समझ पा रहा हूँ कि नहीं, अपना प्लेसमेंट इस अस्तित्व में ठीक से देख पा रहा हूँ कि नहीं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो अब और ध्यान से अगर हम लोग देखें, देखना मुझे है ना, दृष्टा मैं हूँ, देखने वाला मैं हूँ, तो क्या लगता है अगर मुझे अपने को देखना है तो क्या आंखों की जरूरत है? ये हम लोग आंसर कर सकते हैं यस या नो, है ना। अगर मुझे स्वयं को देखना है तो क्या मुझे आंखों की जरूरत पड़ने वाली है? सभी का आंसर नो आ रहा है। और ठीक बात भी है, अगर मैं अपने से पूछूं कि इस समय मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूं कि अनकंफर्टेबल, तो क्या लगता है ये जो मैं देख रहा हूं कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल, ये आंखों से दिखाई दे रहा है या मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ? तो आंखों से दिखाई दे रहा है तो आप आईज लिख सकते हैं, डायरेक्टली देख पा रहे हैं आप अपने में तो डी लिख सकते हैं। तो जैसा मैं चैट में देख पा रहा हूँ रिस्पॉन्स, तो सभी लोग ये बात अप्रिसिएट कर रहे हैं कि अगर मुझे अपने को देखना है, अपने में होने वाली क्रियाओं को देखना है, अपने कंटेंट को देखना है कल्पनाशीलता के, तो वो तो मैं डायरेक्टली ही देख सकता हूँ, तो आंखों की उसमें जरूरत नहीं है। और ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा पोटेंशियल है कि मैं स्वयं को भी डायरेक्टली देख सकता हूँ, फिर स्वयं के थ्रू शरीर को भी देख सकता हूँ, और फिर पूरे अस्तित्व तक देख सकता हूँ। यही हमारा पोटेंशियल भी है, यही हमारी क्षमता भी है। तो इस क्षमता को भी हमको पहचानना है, उसके लिए हम लोग स्वयं से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि मैं स्वयं को पूरी तरीके से देख पाता हूँ कि नहीं देख पाता हूँ। एक बार ये क्लियर हो जाए कि मैं स्वयं को देख सकता हूँ, फिर हम लोग देखेंगे कि मैं स्वयं के द्वारा शरीर को भी देख सकता हूँ कि नहीं, और फिर पूरे अस्तित्व को देख सकता हूँ कि नहीं। तो इसी क्रम में हम लोग ये पूरा अभ्यास की बात करेंगे, ये अभ्यास चलाएंगे हम लोग। तो अभ्यास एक पर हम लोग मेनली बात करेंगे, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना। तो इस पर हम लोग अब बात करेंगे। तो अभी जितनी बात मैंने की है उस पर कोई बहुत इमीडिएट क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, अदरवाइज हम लोग इस अभ्यास एक को स्टार्ट करेंगे, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना। एक हैंड रेज है, एक क्वेश्चन लेंगे, फिर हम लोग इस अभ्यास को स्टार्ट करेंगे। जी नमस्ते भैया, गोपाल भैया, मैं नमस्ते भैया, राजू नमस्ते। पाल अच्छा नमस्ते भैया, नमस्ते जी। से। भैया मैंने ये स्वयं को द्वारा देखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने इसमें पंचेंद्रिय को भी बहुत ध्यान से देखा। एक बार ऐसे ही 2 घंटा बैठा था तो पूरे ध्यान से देखने का बाद भी, जैसे कि कान से सुनना है तो कान को मैंने सोचा कि कान बंद कर लूँ, फिर आंखों से देखना है तो आंखों को बंद कर लूं, फिर नाक को जो सुगंध लेनी है तो उसको भी बंद कर लूं, जिह्वा से जैसे कि मुंह से कुछ पेस्ट लेना है तो उसको भी बंद कर लूं। तो ये सब को भी मैंने देखने के बाद बारी बारी से एक ध्यान में आया कि इसकी मुझे उस वक्त देखने के लिए जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या भैया इसका अर्थ ये हो रहा है कि मैं स्वयं को स्वयं के द्वारा खुद से देख रहा हूं? हाँ भैया, तो फिर अभी हम लोग अभ्यास एक शुरू कर रहे हैं इसी बात के लिए, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग जी इस पर बात करेंगे तो फिर और क्लियरिटी होगी कि स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का क्या मतलब है ना। जी तो भैया, इसी पर हम लोग अभी क्या मैं बात सही शुरू कर रहे रास्ते हैं। पे हूँ भैया? क्या जी मैं भैया सही रास्ते पे जा रहा हूँ? जो देखने की जी। प्रक्रिया है, क्या मैं सही रास्ते से कर रहा हूँ, ये कर पा रहा हूँ? हाँ, तो भैया थोड़ी देर हम लोग रुकेंगे क्योंकि इसी प्रक्रिया पे मैं बात करने वाला हूँ, है ना। तो ठीक एक बार जी इस जी जी प्रक्रिया भैया को जी, सुन लेते हैं, फिर हम लोग इस बात को तय हाँ करेंगे कि इस प्रक्रिया में हम लोग कितना चल पा रहे हैं। जी भैया जी 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 भैया जी 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 नमस्ते भैया जी, थैंक यू नमस्ते भैया। भैया। ठीक है, तो हम लोग फिर इस पर बात शुरू करते हैं कि ये अभ्यास एक जो है स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना है। इस अभ्यास के हम लोग बात शुरू करते हैं।
जैसा मैंने कहा कि अगर देखने की बात करें तो देखने वाला मैं ही हूँ, चैतन्य हूँ मैं। और जब मैं स्वयं को देखने की बात कर रहा हूँ तो मुझे कोई यंत्र और आईज या एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे में क्षमता भी है कि मैं अपने को पूरा पूरा देख सकता हूँ। तो अपने में जो क्षमता है उसका हम लोग यूज करेंगे, उसके साथ हम लोग अपने को देखने का काम करेंगे। तो अगर हमको आँख की जरूरत नहीं पड़ रही है तो हम लोग आईज को रेस्ट दे सकते हैं। तो जब भी आप अपने को देखने का काम करते हैं या हम लोग अभी शुरू करेंगे, तो उसमें इस बात का ध्यान देना है कि हम लोग आईज पर कोई फोकस तो नहीं कर रहे हैं, आंखों से देखने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, और आंखों से हमको देखना भी नहीं है, तो हम लोग आंखों को आराम दे सकते हैं। चाहे हम लोग खुला रखें चाहे बंद रखें, लेकिन आंखों को हम लोग रेस्ट दे सकते हैं। बंद रखने में ये सुविधा होती है कि बाहर का जो हमको दिखता है और उससे जो हमारे कल्पनाशीलता में जो चीजें जागृत हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं, फिर उसको भी संभालना पड़ता है। तो इस अर्थ में देखेंगे तो बंद करना भी ठीक ही है, अदरवाइज आपको लगता है आंखें खुली हैं और बाहर की चीजें मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हैं, तो आंखें खुली भी रख सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं। जिस पोस्चर में आप चाहें उस पोस्चर में हम लोग बैठ सकते हैं। मूल बात तो यही है कि हम आंखों का यूज नहीं करेंगे। तो जब भी हम लोग इस अभ्यास को भी स्टार्ट करेंगे तो आंखों पे हमारा जोर ना जाए, इसलिए आपका ध्यान दिला रहे हैं कि हमको स्वयं को देखना है तो इसमें आंखों पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग को शरीर से भी कोई काम अभी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं को देखना है तो उसमें शरीर की आवश्यकता भी नहीं है। तो शरीर को भी देखेंगे तो शरीर को भी आराम करने दें, शरीर को भी किसी एक पोस्चर में रख लें, कंफर्टेबल पोस्चर में। तो जिस पोस्चर से आप कंफर्टेबल रहते हैं उस पोस्चर में आप आराम से बैठ जाइए, बॉडी को लूज करके, और बॉडी को रेस्ट पे रखिए, है ना, क्योंकि हमें काम तो जीवन पे करना है, जीवन के द्वारा करना है, कॉन्शियसनेस पे करना है, कॉन्शियसनेस के द्वारा करना है। तो शरीर पर कहीं भी जोर फोर्स इस सब की आवश्यकता नहीं है, तो शरीर को बिल्कुल हम लोग रेस्ट पर रहने दें। इसके साथ, इतनी रिक्वायरमेंट के साथ, हम लोग इस पर बात कर सकते हैं कि स्वयं को देखना हमको है, इसका निर्णय हमको लेना है इस क्षण कि हमको स्वयं को देखना स्टार्ट करना है। और स्वयं को जब देख रहे हैं तो स्वयं के प्रति सजग हमको रहना है कि मेरी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है। और ये एक बहुत ही आसान तरीका है स्वयं को देखने का, कि हम एक निर्णय लें कि अब मेरी कल्पनाशीलता में जो भी चल रहा है, जो भी मुझे दिख रहा है, चाहे इच्छा दिख रही है, चाहे विचार दिख रहे हैं, चाहे आशा दिख रही है, जो भी दिख सकता है, उसको हम लोग सिंपली देखने की कोशिश करेंगे। और जब देख रहे हैं तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसका कोई मूल्यांकन नहीं करना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी है, उसको बदलने का प्रयास नहीं करना है, उस पर इफ बट नहीं लगाना है, वाई नहीं लगाना है, हाउ नहीं लगाना है। जैसा चल रहा है वैसा ही हमको देखना है। इतने निर्णय के साथ हम लोग अपनी कल्पनाशीलता को देखने का अभ्यास शुरू करेंगे। तो एक बार मैं फिर से ध्यान दिला देता हूँ कि क्या करना है। एक तो अपने निर्णय लेना है कि अब मैं अपनी कल्पनाशीलता को देखूंगा, क्योंकि निर्णय के साथ ही मैं चीजों को देखना शुरू करता हूँ। तो मुझे अपने में ये निर्णय लेना है कि मुझे अपनी कल्पनाशीलता को देखना है और सजग रहना है। मैं ऑब्जर्व करूंगा कि मेरी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है। तो जो भी हमको कल्पनाशीलता में चलता हुआ दिखाई देगा उसको मैं ऑब्जर्व करूंगा। और इसमें सावधानी क्या रखनी है? सावधानी इतनी रखनी है कि जब कल्पनाशीलता में चल रहा है तो उसका मूल्यांकन नहीं करना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, इफ बट हाउ ये सब नहीं लगाना है। सिंपली जो चल रहा है उसको ऑब्जर्व करना है। तो हम लोग एक जगह जहाँ भी आप हैं वहाँ आराम से बैठ जाते हैं, शरीर को रेस्ट देते हैं, आंखों को रिलैक्स करते हैं और इस अभ्यास को शुरू करते हैं। तो 5 मिनट का हम लोग एक विंडो लेंगे, 5 मिनट में आप अपने को देखना शुरू करिए, निर्णय लीजिए कि मुझे अपने को देखना है, और जो चल रहा है सिर्फ उसको ऑब्जर्व करिए।
तो 5 मिनट के लिए हम लोग अभ्यास करते हैं, फिर आपके जो भी प्रश्न बनेंगे इस पे लेकर, अभ्यास को लेकर, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। तो 5 मिनट के लिए हम लोग सिंपली एक, है ना, अपने को देखने का काम करते हैं, फिर 5 मिनट के बाद मैं आपसे पूछूंगा। तो आप एक रिलैक्स पोस्चर में बैठ जाइए और निर्णय लीजिए कि मुझे अपने को देखना है। तो 6:55 हो रहा है, 7 पर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हम लोग बैठते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो नमस्ते सभी को वापस। तो हम सब लोग ने उम्मीद करते हैं कि इस 5 मिनट में इस निर्णय के साथ स्टार्ट किया होगा कि हमको अपनी कल्पनाशीलता पर ध्यान देना है और जो भी चल रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, बिना रिएक्शन देने, बिना मूल्यांकन किए, जैसा चल रहा है वैसा ही देखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना हम लोग ने अभी अभ्यास किया होगा, तो इस पर आपके जो ऑब्जर्वेशन रहे हैं उसको हम लोग वन बाई वन ले सकते हैं और उसको फिर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि इस अभ्यास के दौरान आप अपने में क्या देख पा रहे हैं ना, इस प्रक्रिया को आप पूरा कर पाए कि नहीं कर पाए ऑब्जर्व करने का। ठीक है, तो हमारे साथ निरुपम जी हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी, नमस्ते। नमस्ते सभी को। भैया, इस ऑब्जर्वेशन के पहले 15 से 30 सेकंड में एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। एक्चुअली दिसंबर जनवरी में मंथली मीटिंग में आपके दोस्त सीरीज हुए थे, और उसका जो तीसरा सीरीज है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, उसका मैं आज तक इंतजार कर रही हूँ। आई होप जल्दी सुनने को मिलेगा हम लोगों को। अब ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं भैया। एक्चुअली कल कल के ऑब्जर्वेशन में मुझे अपने इम्परफेक्शंस दिखे थे, और मतलब बहुत आंसू निकले थे मेरे अंदर से। लेकिन कल मैंने प्रश्न नहीं रखा था कि पिछले 6-7 महीनों से मेरी ऐसी स्थिति बनती रही है, मैं बार बार यह प्रश्न रखती रही हूँ। तो कल मैंने नहीं रखा था। कल का पूरा दिन मेरा थोड़ा रोलर कोस्टर राइड जैसा गया है, इवन नाइट तक। लेकिन फाइनली अब सुबह तक बैलेंस कर पाई हूँ, और अभी का ऐसा रहा कि मतलब आज मैं काम रही, अच्छा रहा। और जो मैं बोल रही हूँ, कल मुझे अपने इम्परफेक्शंस दिखे, उसमें ये दिखा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जो बोलती रहती हूँ कि भाई जो भी करना है, मतलब जैसे लैब का ही काम है तो वो टाइमली क्यों नहीं कर लेते हो, सेमेस्टर के लास्ट में करके लाते हो, क्या कम मेहनत लगती है। मैं भी स्टूडेंट हूँ भैया, मतलब PhD स्कॉलर हूँ, तो मुझे लगता है कि यही काम ए प्रिंसिपल मैं अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई कर पा रही। मतलब मैं वहां पे फेल हो रही हूँ, मुझे दिखता है या दिखा, और इस कारण मैं परेशान हुई, बहुत आंसू निकले मेरे अंदर से। लेकिन समस्या यह है कि इस चीज को मैं देख रही हूँ अपनी कमी को, कि मैं अपने PhD पर नहीं ध्यान दे रही हूँ। लेकिन जिस वजह से नहीं ध्यान दे रही हूँ वो वजह भी मुझे पता है, और उस वजह से अपने आप को समेट के PhD की ओर मोड़ नहीं पा रही हूँ। अगर मैं मतलब अपनी भाषा में बोलूं तो PhD मुझे इस बॉडी जर्नी का पर्पस लगता है अब, लेकिन सोल पर्पस कुछ और दिखने लगा है। तो सोल पर्पस पर्पस मुझे इतना ज्यादा खींचता है कि मैं PhD पर नहीं ध्यान दे पा रही हूँ अब। लेकिन अपने आप को समेटना है, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा और लगाना है उधर भी, क्योंकि वो टाइम बाउंड एक्टिविटी है तो उसको भी करना है। बस इतना ही भैया, आप कुछ मार्गदर्शन कर पाए अगर मैं अपनी बात रख पाई हूँ कि ऐसा कि आप समझ पा रहा हूँ। जी दीदी, तो मैं अपनी तरफ से इसको जितना रख सकता हूँ आंसर रख देता हूँ। तो जैसा आप शेयर कर रही हैं, तो अभी होता क्या है, जब हम अपने को ऑब्जर्व करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करते हैं, तो जैसा मैंने शुरू में बताया था कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमको रिएक्शन नहीं देना है, इवैल्यूएशन नहीं करना है। बेसिकली होता क्या है, जब हम हमारी कल्पनाशीलता में चीजें चल रही होती हैं तो कुछ भाव आते हैं जाते हैं, ये होता रहता है। तो ये भाव आ रहे हैं जा रहे हैं, इसमें इश्यू नहीं है। इश्यू तब होता है जब हम इसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं।
है ना, इनका मूल्यांकन करने लगते हैं, प्रतिक्रिया देने लगते हैं, रिएक्शन देने लगते हैं। तो एक तो हमको उस बात को अभी अवॉइड करना है। आपकी शेयरिंग से जो अभी एक बात की मुझे क्लियरिटी हुई है कि जब भी आपके में कल्पना क्षेत्र में कोई जाता है और आपको अपना सोल पर्पस कुछ और लग रहा है, तो जो चल रहा है उसका विरोध करने लगते हैं, उस पर रिएक्शन देने लगते हैं। तो उसका तो अभी उपाय मुझे ही लगता है कि आप उसको रिएक्ट मत करिए और सिर्फ चलने दीजिए, है ना। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे लोग गोवा जाते हैं बीच पर, तो तीन तरह के लोग होते हैं वहां पर। तो जब समुद्र में वेव्स आती है ना, तो तीन तरह के लोग वहां पर आपको दिखाई देंगे। एक वो लोग होते हैं जैसे ही वेव्स आती है लोग कूद जाते हैं एंजॉय करने के लिए। एक वो कैटेगरी होती है जब वेव्स आती है तो वो दूर भागने लगते हैं कि कहीं मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। एक वो कैटेगरी होती है कि जो जस्ट ऑब्जर्व कर रही हो, कि देखते हैं वेव जा रही है जाने देते हैं, आ रही है आने देते हैं, उसको जस्ट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ना उसके एंजॉयमेंट में जाने का विचार आता है उनमें, ना ही उससे दूर भागने का आता है। तो अभी जनरली हम लोग यही करते हैं, थोड़ा सा भी भाव अप डाउन होता है हमारा, हम उसमें इंडल्ज होने लगते हैं। हम उसमें ना या तो इंडल्ज होते हैं या उसको रिएक्शन करते हैं कि ये मेरे में क्यों आ रहा है, मेरा लाइफ का पर्पस तो ये नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी मैं इतना ही कहूंगा कि हम लोग इस अभ्यास को और अच्छे से करें कि बिना इवेल्युएशन किए जैसा चल रहा है क्या मैं उसको चलने दे सकता हूँ, क्या ये पोटेंशियल मेरे में है, कि जो भी चल रहा है मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूंगा, मैं उसमें रिएक्शन नहीं दूंगा, जस्ट उसको ऐसे चलने दूंगा। पहली स्टेप जी ये है। जी दीदी, जी दूसरी बात आपने भैया जो की है कि पीएचडी वाली, उसको मैं और कभी डिटेल से रखूंगा लेकिन शॉर्ट में भी आंसर दे देता हूँ। देखिए हम लोग क्या है, अभी बहुत ज्यादा बाहर बाहर ध्यान देते रहे, और जैसे ही हम अपने ऊपर ध्यान देने वाला काम स्टार्ट किया है, जब से आपने वर्कशॉप किया होगा, इस कंटेंट को देखा होगा, है ना, तो हमारे अपने संस्कारों के कारण हमको ऐसा लगने लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है। फिर हम एकदम से अंदर शिफ्ट होने लगते हैं, तो अंदर जी शिफ्ट होने लगते हैं, बाहर की चीजों में हम पहले से अपने को इंडल्ज कर चुके होते हैं, तो फिर से हम रिएक्शन देने लगते हैं, है ना। तो उसके लिए मैं अभी इतना ही कहूंगा कि आप अंदर जा रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना रिएक्शन के अंदर जा रहे हैं तो ठीक है, और जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे और ये रिएक्शन नहीं देंगे तो आप बाहर की चीजों को और ठीक से हैंडल कर पाएंगे। तो आप भैया, अगर ये हो रहा है, मैंने देखा जी ये है। जी जी तो शॉर्ट में मैं इसका आंसर कर देता हूँ, ऑब्जर्वेशन वाले पे मैं ज्यादा ध्यान दिलाऊंगा अभी। तो अगर पीएचडी का इश्यू आ रहा है तो हम लोग उसको एक लार्जर पार्टिसिपेशन से जोड़ सकते हैं। अभी क्या है, हम लोग बाहर जो ऊर्जा लगा रहे हैं पीएचडी करने में और जो भी इस तरह की एक्टिविटीज हैं, उनका मोटिवेशन बहुत कम होता है। तो अगर उसको मैं भागीदारी से जोड़ के रखूँ, है ना, कि ये एजुकेशन जो मैं गेन करूँगा, जो समझ गेन करूँगा, इसको भी मैं व्यवस्था के अर्थ में यूटिलाइज करूँगा, तो हमारा मोटिवेशन ठीक से बन सकता है। तो उसको आप भागीदारी से जोड़ सकती हैं। लेकिन अभी जो पहले वाली बात है कि हम लोग अभ्यास करें बिना रिएक्शन दिए, उस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जी दीदी, भैया, ये जो बिना रिएक्शन दिए ध्यान देने की बात है ना, मतलब मैं 6 बैच से रही हूँ मॉर्निंग सेशन में। 6 बैच में पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, पीएचडी के प्रेशर में मतलब दिग्भ्रमित हो गई थी। लेकिन 7th बैच से कुछ ऐसा हो गया कि मतलब मुझे, मैंने कंटिन्यू किया। तो 7, 8, 9 एंड 10th बैच में हूँ मैं। तो मैंने ये देखा है भैया कि जो पहला स्टेप है ना, कि बिना रिएक्शन दिए ऑब्जर्व करना, ये तो मुझसे नहीं हो पा रहा। मतलब जैसे ही ऑब्जर्व करती हूँ खुद को, वो खुद ब खुद ना उसका इवोल्यूशन तक पहुंच जाता है। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप ऑटोमेटिकली मेरा एक साथ हो जाता है। वो प्योर ऑब्जर्व वाली स्थिति नहीं है मेरी। वो इवोल्यूशन करके उसको तुरंत मैं मतलब डिसीजन में आ जाती हूँ कि नेचुरली एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड फीलिंग है तो कंटिन्यू करूँ, अगर नहीं है तो मतलब मैं निर्णय लूँ कि मुझे क्या करना है। जो मतलब इस बारे में जो जिसके कारण मेरे अंदर ये फीलिंग आई, मैं परेशान यदि हो रही हूँ, तो उसमें निर्णय मैं चेंज कर लेती हूँ कि भाई इमिडिएटली चेंज करो एंड नेचुरली एक्सेप्टेड फीलिंग वाला मतलब काम एग्जीक्यूट करो। मेरा ऐसा है भाई अभी तक, तो आगे देखते हैं भैया अगर कुछ कर जी पाई। अच्छा वो देखेंगे, आपका ही ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है।
क्योंकि हमारा जो अभ्यास है अभी बहुत जल्दी चीजों को इवेल्युएशन कर देने का है ना। जी तो उसमें जी बस दो बातें मैं कहूंगा, एक तो आपके साथ ऐसा हो रहा है कि अभी आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, इसको भी एक्सेप्ट किया जाए। हम लोग क्या करते अच्छा हैं, इसको भी जी रिएक्शन देते हैं है ना, हम लोग इसको भी रिएक्ट करते हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैं उसमें ये कहूंगा कि हम लोग इस स्टेट को भी एक्सेप्ट करें कि अभी मेरी स्टेट ये है, और जी हम लोग भाई सिर्फ निर्णय बनाकर रखें कि हमको देखने का अभ्यास करना है। अगर इस बिल्कुल मोमेंट नहीं हो पाया है तो भी आप निर्णय बना के रखिए कि दिन में मैं ध्यान बना के रखूंगी कि देखने का अभ्यास करना है। फिर आप स्लिप हो जाए उस पर रिएक्शन मत करिए, उसको एक्सेप्ट करिए और फिर निर्णय बनाइए कि मुझे ध्यान देना है। तो बिना जी रिएक्शन दिए हर बार आप अपने में निर्णय बनाइए कि इस मोमेंट नहीं हो पाया तो अगली बार मैं ध्यान दूंगी। तो मुझे लगता है अगर आप बिना रिएक्शन दिए इस निर्णय को बार बार अपने में बनाएंगे और अवेयरनेस के साथ देखेंगे, तो हो सकता है दिन में मोमेंटली 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड आपको ये भी दिखने लगे कि मैं बिना रिएक्शन दिए भी ऑब्जर्व कर सकती हूँ, भले वो फ्रैक्शनल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। जी तो मेरे भैया ख्याल से ये करेंगे। वाला स्टेप आप लीजिए, आपको हेल्प करेगा। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत जी धन्यवाद। भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते, थैंक यू। 5 मिनट मैंने ऑब्जर्व किया तो जैसे शुरू में तो बहुत सारे अलग अलग विचार आते रहे, वो मैं मतलब इवन आई वाज वंडरिंग कि कहाँ कहाँ से क्या क्या आ रहा है। कल हमारे फैमिली में एक डेथ हुई तो मैं पहले वहां अटक रही थी कि मतलब हमारे नियर रिलेटिव है तो वहां अटक रही थी कि वहां से मुझे कुछ देखना है, मेरी कल्पना शीलता से रिलेटेड मुझे वहां कुछ मिल रहा है। लेकिन मैं वहां से फिर निकली क्योंकि वहां जो है वो जड़ और चैतन्य का खेल मुझे दिखा। लेकिन और आगे गई तो जो एक मेरे अंदर लास्ट कुछ सेकंड्स में मुझे जो दिखा वो एक संबंध को लेकर जो डायरेक्टली मुझसे रिलेटेड नहीं है पर मेरी मदर और एक मेरी कजिन सिस्टर है उससे रिलेटेड वो मुझे दिखा कि वहाँ कहीं असंतोष है। वो क्यों है वो मैं समझ नहीं पाई या वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्यों असंतोष उस लेवल पर है। एक्सेप्टेंस वहाँ नहीं है, मेरी मदर में तो है पर सिस्टर में नहीं है। तो वो मुझे लास्ट मिनट में लास्ट सेकंड्स में दिखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे लाइफ का क्या यही उद्देश्य है कि मैं उस संबंध में जो एक स्वीकार का भाव है वो स्थापित करके तब मैं आगे बढ़ पाऊँ, वो मुझे दिखा वहां तक। जी दीदी जी, तो अच्छी बात है कि आप अपनी कल्पनाशीलता में जो चल रहा है उसके कंटेंट को आप देख पा रहे हैं है ना। उसमें बस अभी मैं इतना ही स्टेप करूंगा कि हम लोग देख रहे हैं और इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें कहीं हमने उसका इवेल्युएशन तो स्टार्ट नहीं कर दिया है। तो देखने की जो प्रक्रिया है ना, इस पर ठीक से आना बहुत जरूरी है। जी एक बार देखना हो जाए, जिसको हम लोग अभी लास्ट स्लाइड में बोल रहे थे दृष्टा की जगह है ना, तो दृष्टा की जगह एक बार हम लोग रुक के चीजों को देख लें कि मेरी कल्पनाशीलता में क्या चलता है, तभी हम उसका ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाएंगे। अभी क्या होता है, हम अगर देखने वाली प्रक्रिया को ठीक से नहीं अभ्यास कर पाएंगे तो हमारे अंदर जो विचार भाव आ रहे हैं हम वहीं रहकर ही उसको इवेल्युएट करने की कोशिश करने लगते हैं। तो एक तो विचार चल रहा है ना, उसका एक वेव की तरह चल रहे हैं और हम उसी वेव में रहकर उसी को इवेल्युएट करने की अगर कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम उस वेव के साथ बहने लगेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा होने लगेगा। तो फिर आप इवेल्युएशन करेंगे भी, लेकिन जब आपको दोबारा वो ध्यान जाएगा अपनी कल्पनाशीलता पर सेम सिनारियो पर, हो सकता है आपका इवेल्युएशन फिर कुछ और हो जाए है ना, क्योंकि हमारी कल्पनाशीलता में बहुत अप डाउन चलता रहता है, बहुत सारी मान्यताओं से चीजें चल रही हैं, बहुत सारी संवेदनाओं का चीजें हैं। तो ये जो देखने की प्रक्रिया है ना, इसमें हमको थोड़ा सा और ध्यान देना है कि हमको बिना प्रभावित हुए क्या मैं पहले देख पा रहा हूँ चल क्या रहा है। अभी होता है क्या है, हम देखते हैं और उसका कहीं ना कहीं मूल्यांकन भी करने लगते हैं, जो अभी दीदी कह रही थी। तो मूल्यांकन करने के लिए थोड़ा सा हमको दूर रहना पड़ेगा उससे, तब हम ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाएंगे भाव के आधार पर, सास्तित्व के आधार पर। लेकिन अगर हम भी वहीं पर हैं जहाँ विचार हैं, तो फिर उसका मूल्यांकन हमारा बहुत तेजी से बदलेगा है ना, फिर उस बदलते हुए मूल्यांकन से भी हम परेशान होंगे।
तो अभी तो मैं सिर्फ शॉर्ट में इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हम क्या इस 5 मिनट में बिना इवोल्यूशन किए, बिना प्रतिक्रिया किए, जो चल रहा है बिना उससे प्रभावित किए, क्या हम देख पाए कि ये चल रहा है, क्यों चल रहा है, कौन गलत है, कौन सही है, क्या मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्या रिजेक्ट कर रहा हूँ, इन सबसे मुक्त होकर क्या मैं एज इट इज देख पा रहा हूँ कि चल क्या रहा है? इसका हमको अभी थोड़ा सा अभ्यास करना है दीदी, ऐसा लगता है मुझे। जी, भैया इस पे एक चीज और मैं जोड़ूंगी कि अभी जब ये बात हुई तो मुझे ध्यान आया, मेरे वही मेरी कल्पनाशीलता या जो मेरा भाव है कि बचपन से ऐसे माहौल में मतलब जब भी मैं कभी देखती थी कि किसी दो व्यक्तियों के बीच में जैसे भाव को लेकर या विचारों को लेकर आशाओं को लेकर या जो भी किसी भी बात को लेकर मन मुटाव है तो आई यूज टू गेट वेरी डिस्टर्ब, लेकिन अभी उस डिस्टरबेंस से मैं बाहर निकल पा रही हूँ और पूरी तरह से जैसे आप कह रहे कि दृष्टा भाव से देखना, तो शायद मेरी समझ यहाँ तक मैंने एक वे आउट निकाल लिया कि भाई उनके बीच में वही गिव एंड टेक है वो पूरा हो गया, तो इज इट ओके कि या इससे मैं समाधान लाने की खुद के अंदर कोशिश कर रही हूँ, ये है जी दीदी, तो इसको एक बात कैसे तो रूँ? दीदी अच्छी है इसमें कि आप पहले बाहर देख रही थी और उसमें इंडल्ज हो जा रही थी, तो बेसिकली देखेंगे इन्वायरमेंट में कुछ चल रहा था इसलिए मेरे में विरोध आ रहा था। हाँ अब हम ये धीरे भी धीरे स्पष्ट रूप से जी बिल्कुल बचपन से ही मैं देख पा रही थी कि एनवायरनमेंट को लेकर जहाँ कहीं कुछ उथल पुथल मुझे दिखी तो एक इमोशनली अटक गए उसमें, फिर धीरे धीरे कोई ना कोई स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस से बचपन से वो रहा या नाम जप या कहीं कोई भी एक वे आउट निकाल कर मैं उससे निकल तो गई, पर फिर भी कहीं वो संतोष मुझे लग रहा है कि अभी भी है मेरे अंदर जो मुझे एक प्योर ऑब्जर्वर नहीं बनने दे रहा है, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। जी, उसी को मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ हाँ कि जब आप पहले बाहर देख रहे थे है ना, तो उसमें इंडल्ज हो जाते थे, बेसिकली बाहर को देखकर हमारे में जो स्टार्ट होता था हम उसमें इंडल्ज हो जाते थे, है ना, एक बात ये थी। फिर आपका ये ध्यान गया कि बाहर कुछ हो रहा है वो एक पार्ट है, अब मेरे में कुछ हो रहा है ये दूसरा पार्ट है, अब ये जो मेरे में हो रहा है अब आप इसमें इंडल्ज हो जाते हैं, ये दूसरी बात हो गई। एग्जैक्टली जी, तो आपका ध्यान एक तरफ तो शिफ्ट हुआ कि बाहर से अपने में आया, ये बहुत अच्छी बात है, अब मेरे में भी जो मैं इंडल्ज हो जा रहा हूँ इस पर भी हमको ध्यान देना है, क्या मेरे में ये पोटेंशियल है कि जैसे मैं बाहर से हटकर अपने में इंडल्ज हुआ हूँ, अपने से हटकर कल्पनाशीलता से हटकर बिना इंडल्ज हुए उसको भी मैं वैसे ही देख सकता हूँ, ये बात पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अगर इस पोटेंशियल पर हमारा ध्यान चला जाए तो आप अपने में जो चल रहा है और उससे जो हम बार बार दुखी हो रहे हैं उससे भी मुक्त होने की संभावना है। हाँ मतलब ऐसे अभी अभी दुखी उतनी नहीं होती उतनी, जी मतलब जी जैसे पहले तो समझ का अभाव हो या इतनी मैच्योरिटी नहीं, पर अब हाँ ये तो स्वीकार हो गया कि ठीक है ये कुछ है चल रहा है, पर उसमें मुझे क्या समझना है ये मुझे नहीं दिखता, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है ऐसा भी लगता है। तो कभी दिखता है तब भी आप देखते रहिए, कभी नहीं दिखता है तब भी आप देखते रहिए, जी दोनों ही केस में हमको ये देखना है कि क्या मैं बिना रिएक्शन दिए देख सकता हूं। तो इसका तो अभ्यास आप करेंगे तो हमको हाँ अपना इसी का अभ्यास करना है लास्ट, बिना मतलब वो चल रहा अभ्यास कि बिना रिएक्शन भी है, पर जी अभी भी मुझे लग रहा है कभी जैसे आवाज ऊंची हो जाना वो उस पर भी कंट्रोल नहीं कह सकते, पर एक समझ आएगी तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, फोर्सफुली उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना अपने आप जी। आवाज उठ रही है, उसको थोड़ा सा लाइन ठीक करना पड़ेगा। तो हाँ बाहर कुछ हो रहा है ना, उससे मेरे विचार, मेरी कल्पनाशीलता में कुछ चलने लगता है, ये जो कुछ चलने लगता है ये हमको पता नहीं चलता है, जी और इसमें से ही कुछ एक्टिवेट हो जाता है, तो उसमें कुछ विरोध आता है इसलिए आवाज तेज हो जाती है हाँ जी ना। तो ये सीक्वेंस चल रहा है हमारे में, जी लेकिन अब हम इस पर भी ध्यान दे सकते हैं कि अभी क्या है, आवाज तेज होती है तब हमारा ध्यान जाता है, लेकिन अगर इस देखने को अभ्यास को हम करेंगे तो आवाज तेज होने से पहले जो मेरे में विरोध है मैं उसको भी ठीक से देख पाऊंगा कि चल रहा है मेरे में, जी और उसको चलने दिया जाए, है तो है।
हाँ, एक उसमें बार सोचो अंदर गए ना, बिना बाहर नहीं आया जा सकता, ऐसा भी कभी बिल्कुल कभी बिल्कुल। मुझे दिखता है। देखिए जो आपके अंदर विरोध है ना, उसका दुख तो आपको देखना ही पड़ेगा ना, तो एक बार हाँ, देख मतलब लीजिए ढंग से क्या है। अभी और सूक्ष्म होता जा रहा है, मतलब मुझे स्पष्ट नहीं दिखता कि क्यों है, पर फिर भी मैं स्वस्थ रहती हूँ कि है दिखा जी और आगे बढ़ो। जी सही बात है, जी है दिखा और पूरा देखने का पोटेंशियल भी है, आगे बढ़ते हैं। जी थैंक यू सो मच। हाँ, नमस्ते सभी को, सुन पा रहे मेरे को? हाँ, जी जी भैया आपकी आवाज आ रही है। अभी मैं वॉकिंग पे गया हुआ था और अपना ये ऑब्जर्वेशन करने का बात आया, तो जी चलते चलते मैं चल ही रहा, पहले ऊपर ऊपर आपने बताया आंख बंद रखे ये करे, तो मैं ऊपर देख रहा था तो बस दृश्य ही दिख रहा था। वहां एक चिड़िया थी, एक ट्री को देखा, फिर चलता रहा, विचार तो कोई नहीं आया मगर चलता रहा। फिर आगे मैंने ऊपर बाहर देख रहा हूँ, तो बाहर की जगह में नीचे पैर को देखने लगा, फिर पैर को देख के चलने लगा रोड को। तो फिर कुछ विचार तो कुछ नहीं आया, विचार ये आया कि मैं क्या बताऊंगा अभी, 5 मिनट फिर शेयर करना है मेरे को, ये विचार अगर शेयर करूंगा तो मैं क्या शेयर करूंगा, ये विचार आया। तो फिर उस विचार पे मैं, उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा ये फील हुआ कि मैं विचार मैं ऐसा ऐसा शेयर करूंगा तो मैं कैसा स्पेशल फील होऊंगा, एक भाव ऐसे अंदर से ऐसा मेरे को दिखा अंदर से, मैं स्पेशल होऊंगा कि क्या, ये मैं अपने में देख पाया। बाकी कुछ 5 मिनट तक कोई और विचार मेरे को नहीं आया था, इतना मेरा ऑब्जर्वेशन बना कि 5 मिनट में। जी भैया, तो दूसरे वाले पार्ट का आंसर मैं फिर कभी और दूंगा जब हम लोग सेकेंड स्टेप स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले वाले पार्ट का मैं आंसर कर देता हूँ अभी। जो ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया चल रही है इस पर मैं ध्यान दिला देता हूँ। तो अभी देखिए, हम लोग जब ध्यान देने का शुरू करते हैं ना, तो बहुत बार ध्यान हमारा बाहर जाता है, जैसा आप शेयर कर रहे हैं, है ना? तो बहुत बार ध्यान बाहर भी जाता है, अंदर भी जाता है, दोनों साइड ही जाता है। मोस्टली टाइम देखेंगे तो जब देखने की बात होती है, ध्यान देने की बात होती है, तो हम लोग का ऑब्जेक्ट ऑफ टेंशन बाहर ही शिफ्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हमारा अभ्यास उसी तरह का है। तो हम लोग की जो अपब्रिंगिंग हुई है, हम लोग को जो वातावरण में ज़्यादातर मिला है, वो बाहर देखने का ही अभ्यास हुआ है हमारा। तो प्रक्रिया के रूप में देखें तो अगर आपको ये अवेयरनेस हो गई है कि मैं बाहर देख रहा था, है ना, तो फिर उसमें अपना निर्णय रखिए कि मुझे अपने पे भी ध्यान देना है। तो जितनी देर बाहर ध्यान रहा, फिर अंदर आ गए तो अंदर ध्यान देते रहिए। तो उसको भी उतना इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है अभी कि 10 मिनट मैंने बाहर ध्यान दिया, 2 मिनट अंदर दिया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितनी देर मैं बाहर ध्यान दे रहा हूँ उसमें मेरी अवेयरनेस है कि नहीं कि हाँ मैं अभी बाहर ध्यान दे रहा हूँ, है ना। फिर थोड़ी देर बाद मैं अंदर शिफ्ट हो गया, अब अंदर जो चल रहा है उसमें मेरी अवेयरनेस है कि नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। तो दोनों को ही अवेयरनेस के साथ देखें और हर बार निर्णय ये बनाएं कि देखना तो मुझे अपने में ही है, भले ही मेरा आधे घंटे के लिए बाहर चला गया, आधे घंटे बाद मैं अपने को देखूंगा। तो हाँ अगर ये निर्णय हम बना के रखेंगे तो धीरे धीरे ये जो बाहर ध्यान हमारा शिफ्ट होता है, ये धीरे धीरे अपने में शिफ्ट होने लगेगा। तो एक बार अपने में शिफ्ट होने लगे, फिर हम लोग उसको बिना रिएक्शन दिए देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे, फिर हम इस पर ध्यान देंगे, है ना। तो इतना जब ओके हम ओके करेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर बात करेंगे, जो आप कहना चाह रहे हैं उसका क्या मीनिंग निकलेगा। जी ओके ओके थैंक यू। जी भैया, हाँ भैया नमस्ते। तो नमस्ते भैया। सवेरे जी जब चल रहा था तो मतलब एक अलग तरह की अनुभूति हुई, फिर उसके बाद में अभी जो 5 मिनट की शेयरिंग का है वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर कल की एक बहुत अच्छी वाली मतलब अपनी है वो मैं बताऊंगा। जी 5 मिनट में भैया जैसे आंख बंद करके ही मेरा ज़्यादातर रहता है कि आंख बंद करके देखें, क्योंकि आंख तो इधर उधर घूमती रहती है खोल जी के बैठने, तो जी बंद करके जब देखते तो अपने साथ में ऐसा मतलब अपने अंदर ऐसा ऑब्जर्वेशन आता है कि जैसे ही अपने को वो कल्पनाशीलता वाली चीज़ देखने की बात करते हैं तो उधर से कल्पनाशीलता भी अपने आप को बंद करती है, मतलब कि हमें नहीं दिखाना है, और जैसे ही आँख खोलेंगे फिर वो कल्पनाशीलता फिर शुरू हो जाती है। अच्छा
उतने टाइम में आंख बंद करके बैठने के टाइम पे, अभी जो बात आई, अभी वो बात आई कि मतलब ध्यान इस चीज पे चला गया विचारों में कि भैया से बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी, मुझे बात भी करनी थी, और चलिए आज मौका मिल जाएगा तो आज बात करेंगे, इस तरह का। और उसके बाद में ये क्षण क्षण तो नहीं बदला क्योंकि बहुत ज्यादा शुरू नहीं हुआ अंदर चलना, तो इस तरह का 5 मिनट का शेयरिंग ऐसा रहा, मतलब ऐसा लगता है कि अभी अपना जो हम देखने वाला बात करते हैं ना, तो अपने अंदर इस तरह का कुछ चित्रण बना हुआ है कि देखने का मतलब यह है कि सामने कुछ पिक्चर जैसा चलेगा, तो वो अगर कुछ दिखेगा तब मतलब हुआ देखना, शायद ऐसा है। तो उस वजह से लगता है कि कल्पनाशीलता में कुछ नहीं चल रहा है अपने अंदर, मतलब मुझे ऐसा लगा। दूसरा कल का भैया एक शेयरिंग करूंगा। कल जो है मतलब शाम को हम मतलब परिवार सहित बाहर गए हुए थे, तो वहां से थोड़ा बहुत अपना बड़ी वाली बेटी को दिखाना था डॉक्टर को, दिखा के आए। तो आप मतलब अपने अंदर के सब तरह के भाव दिख गए, विरोध का भाव भी दिख गया, उसके बाद में फिर विरोध के भाव के ऊपर रिएक्शन भी दिख गया, और रिएक्शन के बाद में ये भी दिख गया कि रिएक्शन के टाइम पे जब अपने मतलब पत्नी के साथ में जब बात हो रही है, तो बात करने में जो पहले 8-10 महीने पहले कोई बात हुई है वो भी सामने रख दी गई है। मतलब हमने जैसे कि उस टाइम पे किसी चीज़ को इग्नोर कर दिया कि छोड़ो मतलब अभी इसमें नहीं बात करते हैं, लेकिन वो अपने अंदर स्टोर हो गई है, और स्टोर हो गई है, और स्टोर होने के बाद में फिर वो अब जब मतलब रिएक्शन टाइप से, और वो चीज़ उसके साथ में बातचीत में वो भी इंक्लूड हो गई, तो मतलब इग्नोर करने वाली प्रक्रिया पे एक चीज़ ये ध्यान गया उस टाइम पे कि मतलब सारी चीज़ों में कि हाँ ये सब दिखा, विरोध भी चल रहा है, उसके ऊपर रिएक्शन भी चल रही है, सब चीज़ चल रही है, और इग्नोर कर रहे हैं तो इग्नोर करने से बात बनती नहीं है, क्योंकि इग्नोर करने पे वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे साथ में बैठ जाती है, हम खाली उस टाइम पे उसको आगे के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। फिर जब कुछ ऐसा अंदर विरोध का भाव बनता है उसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या घटना उस तरह की हो जाती है, तो फिर से वो चीज़ आ जाती है, तो वो रिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन इग्नोर से भी बात बनती नहीं है, ऐसा कुछ मतलब कल का अपना ऑब्जर्वेशन रहा मेरा अपने एक्सपीरियंस भैया। तो दोनों बातों को मैं आंसर करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक तो आपने जो लास्ट वाली भी बात की है, तो देखिए किसी के लिए हमारे अंदर विरोध आ गया है, हमको दिख गया है ना, पुरानी बातों से स्टार्ट हुआ, चाहे कहीं से भी स्टार्ट हुआ, तो ये जो हमारे में विरोध आ गया है, अब इसका भी विरोध मत करिए। हम क्या होता है, विरोध आ जाता है, हम उसका भी विरोध करने लगते हैं। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पर अभी फोकस कर रहे थे कि विरोध आ गया है क्योंकि पुराना कुछ अपने में बना हुआ था, वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो उस विरोध का जो अपने में चल रहा है, जो भी विचार चल रहा है, इच्छा चल रही है, जो भी भाव आपको दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है उससे रिलेटेड, उसको चलने दीजिए। हम क्या है, उस विरोध का भी या तो विरोध करने लगते हैं, या ये विरोध किसके कारण आया है उस कारण को ढूंढने लगते हैं। और अगर ये दोनों ही काम हम करेंगे, तो हम विरोध वाला जो वेव अभी उठा है ना, हम उसी के एक भाग हो जाएंगे, और तब तक बने रहेंगे जब तक वो विरोध का आवेश एक लेवल तक सेटल नहीं हो जाएगा। या तो आप इग्नोर कर दें, या तो सेटल होने दें। तो वही वो इग्नोर वाले हाँ में भैया दिक्कत हो जाती है। जी, तो इग्नोर, हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, तो इग्नोरेंस उसका कोई उपाय नहीं है, उसका उपाय है अवेयरनेस, सजगता। तो उसको सजगता से चलने दीजिए, उसको देखते रहिए, और चलने दीजिए, कितनी देर चलेगा उसको देखते रहिए, है कल तो ना। भैया हमको बहुत अच्छे से इग्नोर करना देखा। है, ना हमको काउंटर आर्गुमेंट करना है, ना हमको उसको अपोज करना है, उसको चलने दीजिए। एक बार चलता हुआ हम देख लेंगे ना, तो अपने अंदर जो भी उसकी जड़ है, उसके कुछ पत्ते झड़ जाएंगे। फिर अगली बार उसको चलता हुआ देखेंगे, फिर कुछ पत्ते झड़ जाएंगे, धीरे धीरे ब्रांचेस हटने लगेंगी, धीरे धीरे जड़ भी हट जाएगी। अभी क्या है, हम उसके पत्ते झड़ने नहीं देते हैं, हम उसमें इफ बट वाई हाउ ये सब लगा के ना उसको और पानी डाल देते हैं। तो पहले उसमें 4 पत्ते थे, और जैसे ही आपने विरोध का विरोध किया, उसमें 8 पत्ते हो गए। अब अगली बार आपको उससे निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये जो प्रक्रिया हम लोग अभी प्रस्ताव के रूप में रख रहे हैं, इस प्रक्रिया पर हम लोग अगर ध्यान देंगे ना, तो धीरे धीरे वो पत्ते कम होंगे, है ना। एक तो ये बात मुझे कहनी थी, तो बहुत शॉर्ट में फिर से मैं समअप कर देता हूँ कि विरोध का भी विरोध ना करें, है ना, जो चल रहा है उसको एज इट इज देखने का प्रयास करें। नंबर 2 है, रिजॉल्व होने के लिए भी हम लोग जो बात कर रहे हैं कि उसको चलते हुए देखें, और जब हम उससे अप्रभावित होकर देख रहे हैं,
तभी हम उसका ठीक ठीक मूल्यांकन कर सकते हैं, तभी वो रिजॉल्व हो पाएगा। अभी क्या, हम उसको एज इट इज चलता हुआ नहीं देख रहे हैं, हम उसी के एक भाग बन जाते हैं, हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते, हम उसको एनालिटिकली सेट करने की कोशिश करते हैं। तो रिजॉल्व तो वो भाव के लेवल पर होगा, विचार के लेवल पर नहीं होगा। और भाव के लेवल तक पहुंचने के लिए हमको पहले ऑब्जर्वेशन पे रखना पड़ेगा कि मेरे में ये विचार चल रहे हैं, विरोध है, कॉन्ट्रडिक्शन है। आपकी सूक्ष्मता बढ़ेगी देखने की, फिर आप भाव को देख पाएंगे, और सूक्ष्मता बढ़ेगी तो आप अपने स्वभाव को देख पाएंगे। उस स्वभाव के साथ अपने संस्कार और भाव को ठीक से एवेल्युएट करेंगे, तब वो विचार वाला भाग ठीक हो पाएगा। तो इतना काम हमको भी करना है ना। भैया ये जो एनालिटिकल सेट करने का आपने बोला, वो क्या मतलब? ऐसा है कि तर्क के माध्यम से किसी चीज को जी जी ठीक बैठाने की कोशिश करते? जी जी वो तर्क के माध्यम से करते हैं। तो अच्छा देखिए, अच्छा जो अच्छा विचार के लेवल का प्रॉब्लम है वो भाव के लेवल पर सॉल्व होगा, तर्क से सॉल्व नहीं होगा। भाव के लेवल के जो इश्यूज हैं वो संस्कार के लेवल पर जाके सॉल्व होंगे, संस्कार के जो लेवल के इश्यूज हैं वो स्वभाव पर जाकर जब हम देखेंगे तब रिजॉल्व होंगे। अभी हम लोग विचार के लेवल की प्रॉब्लम में विचार करने लगते हैं तो सॉल्व नहीं होता है ना। तो अभी तो मैं शॉर्ट में इतना ही कहूंगा कि उसको देखा जाए, बस देखने का अभ्यास किया जाए, है ना। और जो आपने पहले बात की थी कि आंखें खोल रहे हैं और जब बंद कर रहे हैं तो दिखता नहीं है, तो देखिए अभी जब हम लोग ये बात बोलते हैं ना कि हमको देखना है, तो हम आंखों से इतना एसोसिएटेड हैं कि आंखों से ही देखने का प्रयास करने लगते हैं। तो वो देखना शब्द आंखों से हमने बहुत एसोसिएट कर लिया है। तो दो चीजें होती हैं जैसे हम लोग बोलते हैं देखना, या तो हम आंखों से देखने की कोशिश करने लगते हैं बाहर खुली है तो, और नहीं खुली है तो हम आंखों पे जोर डालने लगते हैं। तो जब अगली बार हम ये अभ्यास कर रहे हैं तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दें कि हम आंखों से देखने जा रहे हैं या अपने में देखने जा रहे हैं। तो जब आप ये प्रश्न पूछ के आप स्टार्ट करेंगे तो मोस्ट प्रॉबली आप अपने में देखना शुरू कर पाएंगे। एक बात इसमें आपने और कही थी कि जब हम कल्पनाशीलता को देखते हैं तो ऐसा लगता है कुछ चल नहीं रहा है, तो इस पर मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाता हूँ, टाइम हो गया है, फिर इसको कल हम लोग टेकअप करेंगे। तो देखिए चल नहीं रहा है, मुझे लगता है इसमें एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम अभी उन्हीं चीज़ों को देख पाते हैं जो बहुत रिएक्टिव होती हैं। तो जैसे विचार में अपोजिशन चल रहा है हमको तुरंत दिख जाता है ना, भाव में अपोजिशन चल रहा है तुरंत दिख जाता है। लेकिन कोई शांत विचार है, कोई शांत भाव है, उसको देखकर रिकॉग्नाइज करना और बता पाना, इसका अभ्यास अभी हम कम है अभी। तो जैसे जैसे हमारी देखने की सूक्ष्मता बढ़ेगी तो हम ये भी देख पाएंगे कि शांत विचार और भाव भी हमें चलना है, तो वो अभी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ेगी तो वो भी दिख सकता है। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि उस समय हमारे विचार और भाव शांत है लेकिन हमको अभ्यास नहीं है तो हम उसको देख के बता नहीं पा रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम देखने की कोशिश कर रहे हैं है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन हमको क्लियर ही नहीं हो रहा देखना भी कहाँ पर है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये कि हम ऐसी चीज पर ध्यान दे रहे हैं जो जिसके साथ हमको कुछ फुलफिलमेंट ही नहीं करना है, निर्वाह ही नहीं करना है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अभी तो पहली वाली पॉसिबिलिटी में ज्यादा मानता हूँ हम सबके लिए। तो इस पर आप ध्यान देना चालू करिए, फिर हम लोग और बात करेंगे इस पे कल, ठीक ठीक है, ठीक, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मेरे ख्याल से समय हो गया भैया, हम लोग को भी जी। कॉलेज के लिए प्रिपेयर होना बिल्कुल है।